Now come to the new problem. It is GATE 2004 question. इस डेटा पे दो क्वेश्चन थे, ये कॉमन डेटा है, उस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट फॉर ए हाइपोथेटिकल सीपीयू हैविंग 3 यूजर रजिस्टर्स R1, R2, R3. इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन साइज आपको गिवन है. मूव R1, 5000, इसका मीनिंग है R1 में मेमोरी ऑफ 5000 की वैल्यू चली जाएगी. ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक रजिस्टर यूज हो रहा है और एक आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग वाला केस है. क्लियर? नाउ मूव R2, ब्रैकेट ऑफ R1 का मतलब दैट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट है ना, रजिस्टर पे पड़ा हुआ कंटेंट ये मेमोरी का एड्रेस है और मेमोरी के उस एड्रेस पे क्या पड़ा है ऑपरेंड, वो R2 में चला जाएगा. मैं यहां पे सिर्फ आपको घुमा रहा हूं, बाकी तो आपको पता ही है. नाउ तो R2 में चला गया. एड R2 R3 मतलब R2 में R2 प्लस R3 की वैल्यू चली जाए 6000, R2 मेमोरी ऑफ 6000 में R2 चला, R2 की वैल्यू चली जाए और होल्ट मशीन होल्ट. इंस्ट्रक्शन की साइज इन वर्ड्स गिवन है 21121. नाउ कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. कंसीडर दैट द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल विथ साइज 32 bit. ऑफ कोर्स ये बाइट की साइज नहीं है, ये वर्ड की साइज गिवन होगी, वर्ड लिखना रह गया होगा बट आपको मानना क्या है वर्ड की साइज. नाउ एंड द प्रोग्राम हैज बीन लोडेड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000 decimal. क्योंकि ये हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये ना मान लो या बाइनरी ना मान लो, इसलिए ये कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए लिख देते हैं डेसिमल. बाकी बाय डिफॉल्ट आपको मान करके भी डेसिमल चलना पड़ेगा. इफ एन इंटरप्ट अकर्स व्हाइल द सीपीयू हैज बीन होल्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द होल्ट इंस्ट्रक्शन द रिटर्न एड्रेस इन डेसिमल सेव्ड इन द स्टैक विल बी. अभी अपन ने सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करी है. नाउ अब अपन चलते हैं इसको सेव करने की पहले उस पे. नाउ इट इज 1000, ये आपका लो है और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई होता जाएगा एड्रेस. नाउ वर्ड को पहले मैं बाइट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 4 32 bit मतलब 4 byte, तो 2 × 4 = 8, 1 × 4 = 4, 4 = 8 और 4 है ना. ये मेरी साइज किस में आ गई, बाइट्स में. नाउ अब अपन स्टोर करते हैं पहला मूव, तो 1008 पे नेक्स्ट चालू होगा. दूसरा मूव ये भी, ये कितने का है, 4 साइज का, तो 1012. 1008 पे ये चालू हुआ, 1012 पे दूसरा चालू होगा. ये 4 बाइट कौन से, 1008, 1009, 1010 और 1011, ये चारों बाइट है. नौ 1012 से कौन एड, वो कब तक, 1000 एड को कितना लगा, एड को भी 4 लगा, तो 1016. नेक्स्ट मूव ये कौन है, इसको चाहिए 8, 1024. अब कौन है, हॉल्ट, और इसके बाद 1028 उसका नेक्स्ट. नाउ जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंटरप्ट अकर्स व्हाइल द सीपीयू हैज बीन होल्टेड After executing the halt instruction. कहानी वैसी ही है जैसे हमने सीखी थी,
देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. आप जो स्टैक में सेव करके जाओगे वो क्या एड्रेस होगा? 1028 हॉल्ट के बाद का एड्रेस. क्लियर? तो वो हम रिटर्न करेंगे. नाउ आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर है? ये 2 मार्क का क्वेश्चन था. हार्डली आपको बहुत कम टाइम लगा. और जो ये अगर मेमोरी मैंने बना दी है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी सिमिलर इसी तरीके का है. देखते हैं, मुझे अभी याद नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे. इज देयर एनी डाउट?